गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर। और मैं हूँ मोहम्मद सुहेल। और मैं हूँ अली। और मैं हूँ जफर इकबाल। भाई, आज का टॉपिक बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि आईपीएल का जो सीज़न है ना, वो स्टार्ट होने वाला है। लेकिन उससे पहले अच्छी अच्छी न्यूज़ आ रही हैं, तो देखते हैं वीडियो। अगर वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देखते हैं, आईपीएल 2023 में सीएसके जो पूरा सीजन खेलने के बाद जीतती है और विनिंग प्राइस देखा जाता है तो वो 20 करोड़ रुपए निकलता है। लेकिन आईपीएल 2024 का जब ऑक्शन हम देखते हैं तो दोपहर 2:12 पर पैट कमिंस अकेले 20.5 करोड़ रुपए एक तरफ पूरी टीम पूरा सीजन खेलकर 20 करोड़ कमाती है और एक खिलाड़ी को इंडिविजुअल 20 करोड़ से ऊपर नहीं। लेकिन ये झटका हमें और लगता है तब जब हमें दिखता है कि भाई मिचेल स्टार्क का तो जैकपॉट लग गया। वो मिचेल स्टार्क जिन्होंने 4 सीजन आईपीएल खेला है और 4 सीजन आईपीएल खेलकर 20 करोड़ रुपए कमाए थे, 5, 5, 5, 5, 5, वो 2024 के आईपीएल के ऑक्शन में अकेले 24.75 करोड़। एक टीम को आईपीएल में 100 करोड़ का बजट, ये बंदा अकेले 25 करोड़ ले रहा है, यानी 1/4 पूरी टीम का पैसा अकेले ही ले रहा है। कितना पैसा आईपीएल में, कितना पागलपन है, ये अपने आप में काफी है। 2014, 2015, 2016, 2017 चार सीजन उन्होंने खेला था 5-5 करोड़ में, और उसके बाद लौटे ऐसी शान से लौटे कि लोग कह रहे हैं भाई साहब क्या करता है। हालांकि पैट कमिंस और ये WTC वर्ल्ड, मतलब सोचने वाली बात है ना, क्या इतना पैसा कैसे हो सकता है, इतना पैसा कैसे हो सकता है। वैसे हैरान सिर्फ इन्होंने नहीं किया, एक और लड़का है समीर रिजवी, यूपी T20 में खेल रहा था, अनकैप प्लेयर है, 20 लाख रुपए उसका बेस प्राइस था और उसको 8.5 करोड़ में खेला। और हैरानी की बात यह कि खरीदने वाली टीम जो है वो कोई छोटी मोटी टीम नहीं है, वो टीम है जिसके थिंक टैंक बहुत स्ट्रॉन्ग है, सीएसके। अच्छा, समीर रिजवी को यूपी T20 में हुए उनके प्रदर्शन के से 8.5 करोड़ में खरीदा गया। मतलब उनकी परफॉर्मेंस देखी मैंने, 9 मैच में 455 रन बनाए, T20 में 50 का एवरेज है, 188 का स्ट्राइक रेट है, लेकिन यार 8.5 करोड़ जिसके बारे में कोई जानता नहीं था। आई मीन हैट्स ऑफ, कुछ तो देखा होगा धोनी ने, अदरवाइज इतना महंगा पैसा, इतना अंधा पैसा। वैसे अंधा पैसा लगा है, आपको याद होगा रिंकू सिंह ने जिसको 5 छक्के मारे थे, यश दयाल को, रिंकू सिंह 80 लाख रुपए में है और वो जनाब जो है वो इस साल 5 करोड़ रुपए है। अंधा पैसा तो आईपीएल में है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये मेरे को नहीं पता था। कई और भी अनकैप प्लेयर हैं जिन्हें बहुत पैसे मिले, जैसे एक लड़का शाहरुख खान है, गुजरात टाइटन्स ने उन्हें 7.40 करोड़ मिले, मतलब पंजाब और उनकी बार्गेनिंग चली थी, बट 7.5 करोड़ में अनकैप प्लेयर, यार ये गजब है। एक लड़का कुशाग्र है, मतलब शाहरुख खान तो चलो फिर भी आईपीएल खेले हैं, अनकैप विकेट कीपर है कुशाग्र, उसे दिल्ली कैपिटल ने 7.5 करोड़ में खरीदा, 7.5 करोड़ रुपए में। और बंदों में बहुत टैलेंट है, ऐसे एक लड़का है शुभम दुबे, उसको 5.5 करोड़ में खरीदा गया। यार 5.5 करोड़, मतलब ये सब कुछ काम है ना हैरान करने वाले, यार राजस्थान रॉयल्स का 5.5 करोड़ नए लड़के को देना, DC का 7.5 करोड़ देना, गुजरात का 7.5 करोड़ देना, रिंकू के लिए यार मेरे को बहुत ही फील हो रहा है यार, कि मतलब यार वो लोग पहली बार में इतना टैलेंटेड प्लेयर और फंसा पड़ा है चक्कर में फंसे। लेकिन भाई समीर, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू, कुशाग्र आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू, मिचेल स्टार्क या बाकी लोग जो है, आप यार कमाल, कुछ हैरान करने वाले, 1.5 करोड़ इज अ वेरी बिग प्लेयर, बैटिंग करवा लो, बॉलिंग करवा लो, फील्डिंग करवा लो, तगड़े खिलाड़ी है, लेकिन नहीं है। यश दयाल को 5 करोड़ रुपए मिला, यार रिंकू सिंह सोच रहे यार मैंने 5 छक्का मारा है, गुजरात टाइटन ने रिलीज किया था, पूरे सीजन खेलाया नहीं था, और यहाँ पर 5 करोड़ रुपीज, आई मीन दैट्स ह्यूज। एक और लड़का है एम सिद्धार्थ, उसको स्पिनर है लखनऊ ने खरीदा है, 2.5 छक्का मारता बंदे का मजाक बना, इसको इस बार पैसा खर्चा किया, डैरिल मिचेल पर खर्च किया, डैरिल मिचेल को उन्होंने 14 करोड़ रुपए दिए हैं, जो बहुत ज्यादा। मिचेल हालांकि अच्छे बैट्समैन है, क्या खिलाओगे मिचेल को इतना, 14 करोड़ रुपए, पिछली बार बेन स्टोक को बैठाए थे, इस बार इनको बैठा दोगे। पंजाब ने खर्च किया है 11.5 करोड़ रुपया हर्षल पटेल को लेकर, हर्षल पटेल क्या 11.5 करोड़ के लायक वर्थ थे पता नहीं। आरसीबी ने अल्जारी जोसेफ को खरीदा है 11.5 करोड़,
आरसीबी ने यश को भी खरीदा है 5 करोड़ में। आरसीबी का बॉलर एक्चुअली नहीं थे तो उनके साथ समस्या क्या है, ये बड़ी समस्या थी, वो इस वजह से फंसे। हालांकि स्पिनर्स की डिमांड इस साल नहीं थी। स्पिनर्स मुजीबुर रहमान अफगानिस्तान से, उन्हें किसी ने नहीं खरीदा। न्यूजीलैंड से आते हैं ईश शोडी, उन्हें किसी ने नहीं खरीदा। साउथ अफ्रीका से आते हैं तबरेज शमशी, उन्हें किसी ने खरीदा। आदिल रशीद जो है उन्हें किसी ने नहीं खरीदा। और अकील हुसैन वेस्टइंडीज से आते हैं, उन्हें किसी ने नहीं खरीदा। तो ये 4-5 जो बड़े नाम थे स्पिनर्स में, इन्हें किसी ने एंटरटेन नहीं किया और ये मेरे लिए हैरान करने वाला है। मधुशंका श्रीलंका के अच्छे गेंदबाज हैं, बहुत अच्छी गेंदबाजी वर्ल्ड कप में की थी, 4.5 करोड़ बिके। LSG ने शिवम मावी को खरीदा है, मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छा थॉट है। LSG शिवम मावी इज अ गुड बॉलर और पिछले साल उन्हें मौका नहीं मिला था, गुजरात से शायद उनके इश्यूज चल रहे थे, लेकिन उसके पहले उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की थी। टीम इंडिया में उनकी एंट्री भी हो चुकी है, इंडिया भी खेल चुके हैं, सो आई बिलीव ये साल उनके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। 6.40 CR जो है उनको मिला है। उमेश यादव को यार किस्मत चमकी है, मतलब बाहर हो गए हैं, कहीं नाम नहीं था, लेकिन लगभग 6 करोड़ में बिके हैं, तो उनके लिए भी बल्ले बल्ले जो है। एक नाम जो थोड़ा सस्ता बिका है, मुझे हैरानी हो रही है, कॉट्जी का। कॉट्जी यार मुंबई ने खरीदा है, हालांकि अगर रोहित शर्मा वाला इंसिडेंस नहीं होता तो वो मैं बहुत खुश होता मुंबई के लिए, क्योंकि कॉट्जी तगड़े बॉलर है यार, अच्छे गेंदबाज हैं, और उन्हें केवल 5 करोड़ में खरीदना मतलब मेरे लिए बहुत, मुझे लगता है बहुत वर्थ है। क्यों बाकी लोगों ने नाम नहीं लगाया मुझे नहीं पता, लेकिन ये कमाल के बॉलर हैं और MI से ये खेलेंगे, अब दिलचस्प रहेगा। पंजाब में क्रिस वोक्स को खरीदा है 4.20 CR में। शार्दुल ठाकुर को वापस खरीद लिया CSK ने 4 करोड़ में। रचिन रविंद्र को CSK ने खरीदा है, तो ये भी बड़ा दिलचस्प रहेगा, रचिन रविंद्र एक्सेप्शनल टैलेंट है। रोमन पावल जो हैं, जिन्होंने अभी ने वेस्ट इंडीज में अभी कप्तान है, धमाल मचा रहे हैं, 7.40 करोड़। देन एसआरएच ने ट्रेविस हेड को खरीदा है 6.80 CR में। हैरी ब्रूक जो बहुत टैलेंटेड पिछली बार आए थे महंगे खरीद के, केवल 4 करोड़ में बिके हैं। तो ये सारे नाम है, मतलब कई प्लेयर है जिनको और पैसा मिलना चाहिए था, कई प्लेयर ऐसे हैं जो शायद मतलब ज्यादा पा चुके हैं, लेकिन ओवरऑल IPL में भाई अंधा पैसा है, और वो दिख रहा है यहाँ पर कि यार लोग कैसे लुटा रहे हैं। मतलब कमलेश नागर कोटी अनसोल्ड रहे, यार ये भी अच्छा टैलेंट था, एक जमाने में आया था, मतलब मुझे लगा था बहुत एक्सेप्शनल जाएगा, नहीं चल पाया, लेकिन फिलहाल कई और प्लेयर है। मुस्तफिजुर रहमान को खरीद लिया है CSK ने, जाय रिचर्डसन को खरीद लिया है दिल्ली कैपिटल ने, तो ये भी कई सारे प्लेयर हैं जो अच्छे निकल गए हैं। तुषारा को खरीदा गया है 5 करोड़ में, ये भी एक बड़ा नाम है जो मुंबई इंडियंस ने खरीदा है। सो ओवरऑल अभी टीम जो है वो चल रही है, लेकिन आज किस्मत जो है वो बिकी है एक मिचेल स्टार्क की, पैट कमिंस की, रिजवी भाई की, कुछ इंडियन अनकैप प्लेयर की, टॉम कुरन, सैम कुरन के भाई जो पिछली बार अनसोल्ड थे, इस बार 1.5 CR में वो बिक गए हैं। एश्टन टर्नर जो है 1 करोड़ बिके हैं, 1.5 1.5 करोड़ बिके हैं। ओवरऑल बंपर लीग है, लेकिन आज की जो हेडलाइन है वो समीर रिजवी 8.5 करोड़ और पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क, ये 20 करोड़ 45 करोड़ के आसपास दो खिलाड़ी हैं। ये तो मैं बोलता हूँ कि जो बंदा एक बार सुनता है ना, उसके जो इम्प्रेशन है ना, वो बंदा हैरान रह जाता है। जब एक 20 करोड़ सुनते हैं, 5 करोड़ सुनते हैं, तो यार हवा निकल गई है सब की, जिसने भी सुना होगा आपकी भी निकल गया, तो इधर से थोड़ा सा ना आप भी निकल जाए आप। यार ये तो पागल हो गए होंगे यार, भाई 20 करोड़ 24 करोड़ एक प्लेयर का लगा है सिर्फ, 24.75 यकीन करे। इसलिए तो वो जब एक पाकिस्तान और उनका टेस्ट हो रहा था ना, इसलिए वो हंस रहा था मिचेल स्टार्क, बॉल कराते कराते हंसता जा रहा है, इधर स्टेडियम में हंसता जा रहा है। बंदे को ना एक पहले से ही पता चल गया था कि यार 3-4 साल के मतलब के रोटी इकट्ठी मिल गई है यार, 24 करोड़ में। ओ भाई 3-4 साल नहीं, 24 करोड़ में इमेजिन करे, यकीन करे उसकी बहुत पैसा, अगर उसके पास को दादी दूती है तो उसको अटैक पक्का है। नहीं बाकी यार घर वाले लेट रहे होंगे, लेट रहे होंगे भाई एक सड़कों पर यार पिछले सीजन में एक सैम कॉरन की एक मतलब के सबसे हैवी थी एक, वो उसका भाई है, अच्छा? एक 18 करोड़ पर भाई वो खड़ा था, लेकिन इस दफा भाई ऑस्ट्रेलिया वाले ले गए नंबर,
नहीं ऑस्ट्रेलिया वाले अच्छा ये एक इम्पैक्ट होता है। आप देखो ना वर्ल्ड कप में जो प्लेयर जिन्होंने परफॉर्म किया है अच्छा, तो भाई ये जिन्होंने आगे मतलब कि आईपीएल में चूज करने होते हैं तो वो देखते हैं कि कौन बंदा फिट जा रहा है। अब इंग्लैंड के टॉप के हैं तो उसमें मुझे लगता है कि वो वॉक्स की एक एक क्रिस वॉक्स की लगी है सबसे ज्यादा 4 करोड़ में या इतने में, वो 4-5 करोड़ इतने में। लेकिन अगर उन्होंने परफॉर्म अच्छा किया होता या एक धमाल की क्रिकेट खेली होती तो भाई उनके प्लेयर टॉप के 20 के प्लेयर हैं। अच्छा यार ये जो मतलब एक टीम होती है अब जैसे विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, इनको भी खरीदा जाता है या इनका कोई और सीन होता है? जैसे उनके पैसे नहीं बताते मुझे लगता है। पैसे बताते हैं शायद आगे और भी इसका चलना हुआ नहीं, तो उनके पैसे बताते हैं। अब वो तो कैप्टन है ना, वो कैप्टन का कोटा होगा होगा। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग है इस दफा ना कि आईपीएल देखने वाली होगी, मुंबई इंडियन ने भाई इस दफा एक रोहित शर्मा का जब कप्तानी से एक हटाया था ना तो भाई उनके एक दिन में 3 मिलियन फॉलोअर गिर गए थे। हाँ एक दिन में 3 मिलियन फॉलोअर मुंबई इंडियन के ऑफिशियल पेज से, इतना भाई बंदे का जलवा है। हमने शायद ये न्यूज देखी होगी या नहीं, इसने तो पूरी भाई एक धमाल मचा दी कि जब उसको एक कप्तानी से हटाया गया था ना तो एक भाई 3 मिलियन फॉलोअर को काम नहीं होता। रोहित शर्मा के फैन थे वो। लेकिन आप देख लो ना कि बाकी टीमों के ऊपर भी आए, उन्होंने भी ठीक एक खरीदे, लेकिन आज का भाई सहरा जो है ना वो जाता है कमंस और स्टार्च नाम पे है। लेकिन उसकी वजह भी यही है कि क्योंकि ये लास्ट जो उसने कैप्टनी की है ना उसका एज उसको हुआ है, और भाई इस दफा इस वर्ल्ड कप में भाई स्टार ने एक अच्छी बॉलिंग की है क्योंकि वो आप पिचों को काफी याद तक जो है ना वो जान चुके हैं। बाकी भाई एक भाई वहां पे ये तो हम कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे। आज तो हमारे भी कह रहे हो कभी हमारी नेशनैलिटी भी इंडियन होती थी। वो ऑस्ट्रेलिया जिधर सर्दियों में भी गर्मी लगती है ना उधर निकल गए होंगे सारे हैं। यकीन करें अब आईपीएल में एक मतलब के टॉप के प्लेयर उन्होंने खरीद लिए, उन्होंने जाकर आईपीएल खेलनी है। लेकिन जो मतलब के बेकार हो गए ना, जिनके आप कोई क्रिकेट से लेना देना नहीं है, वो पाकिस्तान में आईपीएसएल खेलने आ रहे हैं। वो तो हमें गरीब कर जाते हैं, ये थोड़ा सा टैक्स हम पर हैवी कर देते हैं कि भाई प्लेयर नहीं खरीदने यार, ना तो हमारे सिटी की कोई टीम है ना कोई लेना ना कोई देना, लेकिन टैक्स सबसे ज्यादा हम देते हैं। और जिस साल इन्होंने वो पीएसएल के प्लेयर खिलाए मतलब के खरीदने होते हैं ना, यकीन करो डबल डबल बिल भेजते हैं, गैस का भी और सारे बिजली का भी 5,000 आया है इस दफा गैस का बिल भी। और प्लेयर भी यार बुच्चर जै खरीदते हैं मतलब जिनसे शॉट नहीं लगती, एज की होती है क्रिकेट यार खेलने वाली। बिल्कुल यार आप देखो ना कि वहां पे आप आईपीएल स्टार्ट हो रही है, यकीन करो एक देखो ना जो करंट प्लेयर होते हैं उनको ले आप भाई एक दफा यार। ये स्टार पाकिस्तान में भी आया है लास्ट, मिचेल स्टार नहीं आया यार, आया है क्या हो गया है? नहीं आया क्या हो गया पता नहीं, मुझे भी नहीं पता है गूगल करके देख ले मिचेल स्टार आया हुआ है यार, इनका बजट नहीं इतना भाई, वो इधर यार वो अपने औकात के साथ से चीजें हो जाती, क्या हो ये होता है भाई अपना तरला मेहनत कर लिया यार ब्रो। लेकिन कुछ भी नहीं है यार पीएसएल, वो तो एक शुगल मेला होता है कि बूढ़े बूढ़े प्लेयर आते हैं आना खेल के शुगल मेला वही कर चले जाते हैं। लेकिन जो इंडिया ने भाई एक इस दफ़ा सिलेक्ट किया ना लड़के एक यंग, वो आपको मतलब के एक उसमें निकलेगा एक यंग टैलेंट, क्योंकि वो एक भाई ये एक सबसे बड़ा उनके पास जरिया होता है एक आईपीएल और अंडर 19। वो समीर जो लड़का बता रहे थे वो कौन वो खेलेगा एक जिस टीम में भी होगा 5 करोड़ उसका बता रहे थे कि पता नहीं कितना, तो वो भी किसी एक बात पर ही आए होंगे यार। आप गूगल करें जो करें मिचेल स्टार नहीं आया यार, ये आया हुआ है कहीं पे ना, आया है इंडिया में आया था यार, इंडिया कितना नहीं खेला और यार नहीं आया। आप क्या बेवकूफ बना रहे हैं, नहीं आया यार शायद और नहीं आया था भाई। चलो बात यार मिचेल स्टार नहीं इधर आया आईपीएसएल खेलने, ये सबसे मतलब के इस दफा कोई है उसके चांस मतलब कि उसने यार ये पोस्ट किसी ने लगाई हुई है, ये देखो ना मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो
मिचेल स्टार लाइकली टू प्ले, लाइकली टू प्ले मतलब अभी पसंद कर रहा है बच्चा, लेकिन शायद हमारे पास अभी कंप्लीट, क्योंकि हम इतना ट्रस्ट से देखते नहीं है पीएसएल, क्योंकि अभी भी बहुत सारे इन्होंने जो हमारा सबसे ज्यादा जिसके मुझे लगता है बोली लगी उसका 17 लाख की कितना 18 लाख ज्यादा लगी थी वो बाबर की 1.5 करोड़ पर गया, नहीं नहीं 3 करोड़ पर गया था बाबर, अच्छा 3 या 2 या 2.5 करोड़ पर गया था, उससे बढ़कर नहीं, ये खरीदते भी गरीब गरीब है ना, वेस्ट इंडीज से 4-5 ले आए जिन्होंने, मतलब जिम्बाब्वे से ले लिए वो, हाँ मैंने बेली भाई ले लेते हैं, एक इंग्लैंड से ले लिए जो बेकार होते हैं, मतलब कि जिन जो रेस्ट पर होते हैं उनको तरला मिन्नत कर लिया, लेकिन काफी यार आईपीएल में शुगल होता है, इधर नहीं होता देख, लेकिन ये कि आप देख लो कि इस दफा जिस तरह सर बता रहे हैं ना कि जो स्पिनर है ना उनकी इतनी वैल्यू नहीं, बाकी स्पिनर यार मुजीबुर रहमान को, हाँ राशिद खान मुजीबुर रहमान, नहीं राशिद खान तो होगा, होगा जरूर होगा, लेकिन ये कि कुछ हालांकि उनको लेना भी चाहिए शायद कोई होगा इसमें, क्योंकि उन्होंने देखा कि मतलब इस दफा हम देना जो कड़ाकेदार मुकाबले हैं ना वो स्पिनर आकर माहौल खराब कर, माहौल खराब कर देते हैं, लगते स्कोर उनको बहुत है बहुत, लेकिन है। वो तोड़ कर नहीं आते जैसे आप स्टार ने वो यार, लेकिन ये कि यार आप देख लो कि सिर्फ 20 करोड़ जो है ना वो इनाम है, और एक टीम जो है ना वो 100 करोड़ के ऊपर है, और उसमें से भाई 1/4 हिस्सा जो है ना वो एक कमंस ले गया और एक जो है ना वो ले गया, और ऑस्ट्रेलिया वाले तो भाई बार बार यही है कि आज पागल हो गए, पागल यकीन करें उनको डबल ट्रिपल खुशी हुई है, वर्ल्ड कप भी जीत गया इस दफा, हाँ और 20 करोड़ रुपए एक ही ले गया, हाँ भाई वर्ल्ड कप बाकी क्या करें, हाँ वीडियो पर आए तो वीडियो काफी अच्छी थी, उम्मीद करते हैं आपको भी पसंद आएगी, अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।